हेल्दी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा उसूल है ट्रस्ट। हमारा आज का गीत भी इसी विषय पर आधारित है। मेरे कुछ गानों की लय दिल की धड़कन जैसी लगती है। मैंने अपने दिल की धड़कनों के मीटर के हिसाब से कुछ गाने लिखे हैं। मेरे गाने वैसे ही धड़केंगे जैसे हमारा दिल धड़कता है। मेरे गानों ने मेरे दिल पर भी असर किया है। शाख से गिरकर टूटने वाले पत्ते ये समझाते हैं, तेज हवाएं चलती हैं तो लोग बिछुड़ते जाते हैं। गीतों के बोल बड़े अनमोल। स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में, जिसे आप विश्व शांति दर्शन के मंच पर देख रहे हैं। चैनल का उद्देश्य विज्ञान, विश्व शांति और अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस का निर्माण एवं संकलन करना है। विश्व शांति दर्शन चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। तो आज के गीतकार का नाम बताने से पहले थोड़ा उनकी जानकारी ले लेते हैं। उन्हें जनता के लेखक की उपाधि मिली थी। उन्हें अपने गीतों की अपार लोकप्रियता का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि एक रेल यात्रा के दौरान उन्हें एक सुदूर गांव में एक भिखारी उनका लिखा हुआ गाना गाते हुए मिला। उनका कहना था, एंड आई कोट हिम, जब मैंने सुना कि मेरा गाना एक भिखारी द्वारा गाया जा रहा है जिसके पास एक रेडियो भी नहीं है, गांव में जहां बिजली नहीं है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गीत अब प्रसिद्ध हो गए। वो भिखारी मुझे जानता नहीं था लेकिन वो मेरे गाने को जानता था। लीजिए, तो मैं अब आज के गीतकार का नाम आपको बता ही देता हूँ। आनंद बख्शी, जिनका नाता अविभाजित भारत में रावलपिंडी के एक संपन्न परिवार से था, मगर उन्हें हिंदी सिनेमा में एक लंबे अरसे तक संघर्ष का सामना करना पड़ा। उन्हें पहला ब्रेक 1958 में बनी फिल्म भला आदमी में मिला, जिसमें उन्होंने 4 गाने लिखे। सही माने में उन्हें पहली सफलता मिली 1965 में बनी फिल्म हिमालय की गोद में, जिसमें मनोज कुमार थे, और फिर उसी दौरान शशि कपूर की सुपरहिट फिल्म जब जब फूल खिले आई और सुनील दत्त की फिल्म जिसमें नूतन भी थी मिलन, उसके बाद तो आनंद बख्शी ने अपने पैर जमा दिए। आनंद बख्शी से एक बार पूछा गया था कि क्या वो खुद को पिछले 3 दशकों का सबसे बड़ा या सबसे लोकप्रिय गीतकार मानते हैं, तो क्या था उनका जवाब? अगेन आई कोट हिम, मैं हमेशा ये समझता आया हूं कि वक्त सबसे बड़ा प्रशंसक है, वही हमें उठाता है, वही गिराता है, इसलिए मैं हमेशा वक्त का मुरीद रहा हूं। इस एपिसोड में मैं आपके साथ गीत लेखन के बारे में आनंद बख्शी की कुछ मान्यताओं और विचारों को साझा कर रहा हूं, जिनका जिक्र उनकी बायोग्राफी नगमे किस्से बातें यादें द लाइफ एंड लिरिक्स ऑफ आनंद बख्शी में है। उनकी बायोग्राफी को लिखा है राकेश आनंद बख्शी ने और पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। तो आइए इन पंक्तियों से शुरुआत करें जो वो अपनी हर नई डायरी के पहले पन्ने पर लिखते थे। क्या लिखते थे? अगेन आई कोट हिम, मैं दिव्य प्रकाश और शक्ति का प्राणी, ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज तक मेरी पहुंच है, मैं जब चाहूं पहुंच सकता हूं और जो चाहे ले सकता हूं या कर सकता हूं, और उनके गीत समय की कसौटी पर इसी तरीके से खरे भी उतरे। कैसे? एक समय था जब 50 के दशक के उत्तरार्ध में, जब कुछ कवि जो सफल गीतकार भी थे आनंद बख्शी को बड़े हेय दृष्टि से देखते थे। उनके सफल होने और अपने कैरियर के शिखर पर होने के बाद भी पिछली पीढ़ियों से कुछ गीतकारों ने उनके लेखन को अपने से कमतर माना, अपने से कम माना, वो अपने को बेहतर समझते थे। आनंद बख्शी तुकबंदी करता है, वो तो कोई शायर नहीं है। इस तरह की बातों पर बख्शी का हमेशा यही प्रतिक्रिया होती थी कि भाई मैंने कभी कवि होने का दावा नहीं किया, इसके अलावा ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। हिंदी फिल्मी गीतों ने भक्ति संगीत, शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक के बीच की दूरी को पाट दिया था उस दौर में, इसलिए वर्गों में, जनता और राष्ट्रों के बीच सीमाओं को पार करते हुए एक ही गीत विभिन्न समुदाय में खूब पसंद किया जाता था। हालांकि फिल्मी गीत को अभी भी कभी कभी कविता का एक गरीब देहाती चचेरा भाई कहते हैं, ऐसा कुछ कवियों का विचार है। इतना ही नहीं, धार्मिक गीतों और शायरी के प्रतिपादकों ने एक बार फिल्मी गीत को अपवित्र करार कर दिया था। एक गीतकार एक विशेष प्रकार का आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन एक गीतकार एक विशेष प्रकार का कवि होता है। उसके साथ काम करने के लिए फिल्म की कहानी एक आवश्यक घटक है, और ये वो कहानी है जिसमें रूपकों, कविता और दर्शन के साथ गीतात्मक चरित्र को भी जाना जाता है। बख्शी से अक्सर उनकी सफलता के स्रोत या रहस्य और उनके कई गानों के पीछे की प्रेरणा के बारे में पूछा जाता था। वास्तव में वो अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ, अपने कंपटीटर के साथ रहस्य साझा करने में बिना किसी हिचकिचाहट के कहते थे, क्या कहानी सुनने के साथ ही दिमाग चलता है, और हाँ, रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका ने मुझे प्रेरित किया है। रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका उस दौर की एक मशहूर पत्रिका हुआ करती थी। पत्रिका कई निर्देशकों का कहना था कि किसी गाने पर काम शुरू करने से पहले बख्शी उनसे बार बार पूरी कहानी सुनाने के लिए कहते थे, और एक बार जब आनंद बख्शी ने फिल्म की कहानी को आत्मसात कर लिया तो भूकंप भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता था। कहानी उनके लिए गीतकार और संगीतकार की भूमिका से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो संगीतकार और गायक का सम्मान करते थे जो एक गीत के जन्म में सहायक होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में और ढूंढते हैं उस अध्यात्म को
जो आज के गीत के गर्भ में छिपा है। गीत के बोल हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश भंडारकर जी ने, और आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे अहम बात क्या होती है? आप सोचेंगे प्यार। आई अग्री, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्यार से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्रस्ट। एक हेल्दी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा उसूल है ट्रस्ट। हमारा आज का गीत भी इसी विषय पर आधारित है, एंड इस गीत पर चर्चा करने हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका जी। तो आइए सुनते हैं ये गीत। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते। सुनील जी, ये जो पहली पंक्तियां हैं पहली स्टैंजा में जी, इन पे थोड़ा और विस्तार में समझा सकते हैं? देखिए, गीत अपने आप में बहुत साफ एक नजरिया हमारे सामने रखता है। शाख से गिरकर टूटने वाले पत्ते ये समझाते हैं, तेज हवाएं चलती हैं तो लोग बिछुड़ते जाते हैं, जाने वाला रूठ गया तो लौट के फिर कब आया है, दो यादों के दीप जला के किसको ढूंढने आया है। तो ये जो लोग मिलते हैं, तो ये जो मेल मिलाप है ना, ये भी जो कहते हैं ना कि सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, हम भी मुसाफिर यहाँ, मुसाफिर हैं आप, तो दोनों बातें हैं। और पारिवारिक संबंधों में जब हम ये देखते हैं तो इस गीत में कई आपको इंस्ट्रक्शंस कहिए कि वो मिलते चले जाएंगे जी। तो जिंदगी के का जो एक ये सफ़र है, और इस सफ़र में हम सब जो मुसाफिर हैं उनके लिए ये बात कही गई है। बिल्कुल सही। तो आगे की पंक्तियां सुनते हैं। जरूर। आंख धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रुक कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे सुनील जी, गीतकार ने कहा है आंख धोखा है क्या भरोसा है,
आज के डीप फेक जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना कुछ डॉक्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ऐसे में भरोसा रखना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में कोई क्या कर सकता है? आंख धोखा है, क्या भरोसा है? वो कहते हैं ना कि आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो सकती है, और इसीलिए यहाँ उपाय एकमात्र है, वो है भरोसा। क्योंकि गीता में भी कहा है, संशय आत्मा विनश्यति। अगर आप संदेह करते हैं तो आपका विनाश निश्चित है। और यहाँ एक बात और भी है कि संदेह और भ्रांति में फर्क है। एक बार आपको शक हो गया तो आप उस शक से बाहर निकल भी सकते हैं, लेकिन आपको भ्रम ही हो गया कि ऐसा है ही। अगर आपने डोरी को सांप समझ लिया है तो वो आपको सांप ही दिख रहा है, फिर वो डोरी नहीं दिखती जी। तो भ्रम और संदेह में यही फर्क है। इसलिए संदेह से तो एक बार उभरा जा सकता है, शक से शक पैदा होता है। यहाँ भी वो जिसको कहते हैं, गुलजार ने एक बार कहा था कि उर्दू एक ऐसी जबान है जब हलक से चिपकती है। तो हलक से चिपकने का मतलब क्या है? अब इसमें दो शब्द आए, शक। ये शक जब हम नुक्ता लगा देते हैं तो इसका मतलब है दरार, और जब हम कहते हैं शक जहाँ नुक्ता नहीं है तो वो उसका मतलब है वही संदेह। तो संदेह से ही, मतलब शक से ही शक पैदा होता है, संदेह से ही दरार आती है, और भ्रम उससे बिल्कुल अलग चीज़ है। भ्रम का भी एक अच्छा उदाहरण याद आ गया जी। किंचुक कुसुम देखकर भौंरा झपटा शुक की लाल चोंच पर। अगर आपने टेसू का फूल देखा हो तो पीछे काला और सामने एकदम लाल उसकी नाक, जिस तरह से तोते की होती है, तो वही किंचुक फूल तोते की नाक की तरह है। किंचुक कुसुम देखकर भौंरा झपटा शुक की लाल चोंच पर, और भौंरे ने भी, तोते ने भी चोंच चलाई जामुन का फल उसे समझकर। मतलब दोनों शक के दायरे में नहीं है, पूरा पूरा संदेह और भ्रांतिमान का ये सबसे बढ़िया उदाहरण है कि उनको भ्रम है, ये भ्रम हो गया है कि ये किंचुक कुसुम है, टेसू का फूल है जी। इसलिए वो उस पर झपटा, और तोते को भी ये लगा कि ये तो जामुन का फल है, इसलिए वो उस पर झपटा। तो संदेह और भ्रम में इतना अंतर है, बेहतर है कि आप भ्रम से तो बचे ही रहें, संदेह को भी अपने पास ना आने दें। बिल्कुल सही जी। सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह हो शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुनील जी, यहाँ ये जो एक स्पेसिफिक लाइन थी, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, इसका क्या मतलब है? बात वही है, जो मंजर पर्दे पर बदल रहा है, और वो इतनी जल्दी बदल रहा है कि अगर आप ठीक से परखते नहीं हो, ठीक से देखते नहीं हो, तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। जीवन भी ऐसा ही है, जीवन में भी दृश्य बदलते रहते हैं, और उन बदलते हुए दृश्यों को अगर आप अपनी सम्यक दृष्टि से देखते नहीं हैं, तो फिर जो मंजर बदलेगा वो आपके अनुकूल नहीं होगा। ये सीधा सीधा गीतकार कहना चाहता है, कुछ तो बोलो, आस यही है, बोलोगे विश्वास यही है, संवादों की बात नहीं है, संबंधों पर घात नहीं है, रुकी रही जो निशा के घर में, ऐसी कोई प्रात नहीं है। कोई भी ऐसा सवेरा नहीं है जो निशा के घर में, यानी रात के घर में, अंधेरे में रुका रहे। सुबह तो होगी ही होगी। तो बात यही है कि आप जो भी सुबह देखना चाहता है वो अपने शक संदेह के दायरों से निकल कर आगे आए, तो आप बेहतर जीवन को देख सकते हैं, बेहतर जीवन को पढ़ सकते हैं। सुनील जी, आपको ऐसे नहीं लगता जैसे पूरे गाने में गीतकार ने एक चेतावनी दी है? इट्स लाइक अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
इंग्लिश में एक कहावत है, टू बी ट्रस्टेड इज़ अ ग्रेटर कॉम्प्लीमेंट दैन द सेटिस्फैक्शन ऑफ बींग लव्ड। तो गीतकार भी यही बार बार चेतावनी दिए जा रहे हैं शायद कि हमें शक से दूर रहना चाहिए। प्यार की नींव में भरोसा है जी, आप उससे बहुत सहजता से जुड़ जाते हो जिस पर आप भरोसा करते हो जी। तो वही विश्वास की नींव जो है वो प्यार हो सकता है, लेकिन मूल बात अलग है। प्यार की नींव में विश्वास है, भरोसा है। इसलिए जब आप भरोसे के साथ में आगे बढ़ते हो तो आप प्यार में भी रहते हो और विश्वास में भी रहते हो। बिल्कुल सही कहा। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए साल लग जाते हैं, लेकिन खोने में उसे एक क्षण भी नहीं लगता, एंड फिर पाना हो तो आसान नहीं होता। इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सुनील जी। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। मिलेंगे अगले हफ्ते। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और बातें हो रही हैं गीतकार आनंद बख्शी की। अक्सर ये देखा गया है कि पार्श्व गायकों को, प्लेबैक सिंगर्स को बाकियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ मंचों पर तो संगीतकारों गीतकारों को श्रेय तक नहीं दिया जाता, जो न्याय संगत नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ऐसा कम हो रहा है। आनंद बख्शी के लिए फिल्म के गीत लिखना भी एक चुनौती थी, क्योंकि लेखक को पटकथा के दायरे में रहकर काम करना होता था और आइडियाज और एक्सप्रेशन की सीमित आजादी को स्वेच्छा से स्वीकार करना होता था और उसका सम्मान करना होता था। बेशक गीतकार एक कवि की तरह उड़ सकता है, लेकिन उसकी उड़ान केवल कहानी के आकाश के भीतर ही सीमित होती है और यह उसे कविता लिखने की तुलना में कठिन अनुशासन बनाता है। इट्स अ डिफरेंट डिसिप्लिन एट ऑल। एक कवि के विपरीत गीतकार को अपना व्यक्तित्व बनाते हुए कहानी के साथ घुल मिलकर उसके साथ साझा करना होता है। पंडित नरेंद्र शर्मा इस सुंदर कथन के साथ फिल्म के गीतों की कला का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं वो, एंड आई कोट हिम, फिल्म के गीत श्रोता को प्रेरित और मनोरंजन करते हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी, यानी श्रोता, शायद इसके लेखक, इसके गीतकार और इसके संगीतकार भी हो सकते हैं। गीत संगीत और शोबिस पर आनंद बख्शी का कहना था कि मेरे परिवार की सुरक्षा मेरा अंतिम लक्ष्य है। मेरा नए साल का संकल्प हमेशा अपने परिवार को खुश देखना और इस काम से संतुष्ट होना जो मेरे दिल, दिमाग और हाथों का हिस्सा हो। मैंने बचपन में एक शौक के रूप में लिखना शुरू किया, बाद में एक जुनून और कैरियर के रूप में, और उसके तुरंत बाद अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लिखना शुरू किया। और वो जब भी मैंने इसको जारी रखा है, क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। आगे क्या कहते हैं कि कुछ गाने मैंने अपनी रसोई चलाने के लिए लिखे, कुछ अपने दिल के लिए, अपने संगीतकारों, फिल्म निर्माताओं और अपने परिवार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना मेरा परम कर्तव्य है। आखिरकार मैं एक भाड़े का आदमी हूँ जिसे नौकरी के लिए मेहनताना मिलता है, भुगतान दिया जा रहा है। और आगे क्या लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, एक दिन ये शो खत्म हो जाएगा, मेरा अंत हर प्रकार का अंत केवल तार्किक है। जैसे मैंने दूसरों को पीछे छोड़ दिया, एक दिन कुछ अन्य लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, अपनी नई या बेहतर शैली से, अपने शब्दों से मेरे प्रशंसकों को चौंका देंगे। काल का ये चक्र यूं ही घूमता रहेगा। अगर मेरे गाने अच्छा प्रदर्शन करते रहे तो मुझे खुशी होगी, यदि वे नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये दुनिया का अंत नहीं है, कभी अनंत काल तक कविताएं लिख सकते हैं। लेकिन मैंने, एक गीतकार ने एक विशेष फिल्म की कहानी और स्थितियों के अनुसार लिखा है। जब कहानी प्रेरणादायक नहीं थी, तब भी मुझे अपने गीतों के माध्यम से और अधिक और बेहतर लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मेरे कुछ गानों की लय दिल की धड़कन जैसी लगती है। मैंने अपने दिल की धड़कनों के मीटर के हिसाब से कुछ गाने लिखे हैं। मेरे गाने वैसे ही धड़केंगे जैसे हमारा दिल धड़कता है। मेरे गानों ने मेरे दिल पर भी असर किया है। एक दिन शायद मैं लिख नहीं पाऊंगा या लोगों को मेरी जरूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे छोड़े, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। जब भी मैं जाऊंगा तो एक विजेता के रूप में जाऊंगा, न कि उपविजेता के रूप में। मैं जूते पहने हुए ही मर जाऊंगा, और फिर फौज में हमें यही सिखाया गया था। मैं बहुत सारी कमियों के साथ यहाँ पहुंचा हूँ। मैं शुरुआत से किसी को नहीं जानता था और मुझे अपने परिवार का कोई समर्थन भी नहीं मिला। हालांकि अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा फायदा था। क्या? मैं गा सकता था और अपने गीतों के साथ पंजाबी लोक धुनों का सुझाव दे सकता था। दोनों स्वाभाविक रूप से मेरा हिस्सा थे। मैं बचपन से ही दोस्तों के लिए गाता रहा हूं और अपने छंदों की रचना करता रहा हूं। मैंने सेना में अपने साथियों के लिए भी ऐसा किया। तब मुझे ये पता नहीं था कि ये सब कुछ मेरे फायदे के लिए है। इसके अलावा ये वो गायन था जो मैं बचपन से कर रहा था, जिससे मुझे किशोरावस्था में कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। तो आप जानना चाहेंगे कि मैंने फिल्मी गाने कैसे लिखता हूँ या कैसे लिखे।
मैं हमेशा पहले पूरी कहानी सुनता हूँ, कथानक और पात्रों की गहराई से समझता हूँ और फिर आवश्यक गीत की व्यक्तिगत स्थिति को सुनता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ। अच्छी कहानियों में अच्छे गाने मौजूद होते हैं, यह उन्हें परिस्थितियों से बाहर निकालने की बात है। मैं अपने गीतों को पटकथा लेखक और निर्देशक द्वारा मुझे प्रदान की गई स्थितियों से खोलता हूँ। फिर जो कुछ मैंने सुना उस पर मैं संगीत निर्देशक और निर्देशक से चर्चा करता हूँ, कई बार चर्चा करता हूँ, तभी मैं बेहतर गाना लिख पाता हूँ। लिखते समय मैं हमेशा यह चित्रित करता हूँ कि यह गाना स्क्रीन पर कैसे चलेगा। मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ, भले ही मुझे ये पता नहीं कि निर्देशक इसको कैसे शूट करेगा। हम हमेशा हिंदी फिल्मों के गीतों के पीछे छिपे अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। तो इस बार हमने एक भजन की ओर कैसे मोड़ लिया? 1585 ईस्वी में नबादास द्वारा लिखित भक्तिमाल में मीराबाई का उल्लेख मिलता है, जो पुष्टि करता है कि वो 16वीं ईस्वी तक भक्ति आंदोलन में व्यापक रूप से प्रचलित और प्रतिष्ठित संत थी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। तो गीतों के बोल की आज की प्रस्तुति को यही देते हैं विराम। सब्सक्राइब कीजिए और साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन में।